मऊ के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आज रैली के रूप में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने शिवराज सरकार भ्रष्ट है के नारे लगाए और एमपीईबी को बिल माफ करने के लिए लालटेन सौंपने की कोशिश की। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। मऊ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और शिवराज सरकार भ्रष्ट की जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के एई को बाहर बुलाकर लालटेन सौंपने की बात कही। काफी देर तक विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी बाहर नहीं आया तो हंगामा बढ़ गया। हंगामा देख मऊ थाना प्रभारी अभय नेमा और तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर भी मौके पर पहुंचे। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव पुनीत शर्मा से उन्होंने काफी देर तक चर्चा की, लेकिन वो सभी एई से ही मिलने की जिद पर अड़े रहे। बात बिलों में आग लगाने तक पहुंच गई, जिसके बाद एई राजेश कुमावत बाहर आए। पुनीत शर्मा ने सभी के बिल उन्हें सौंपे और लालटेन भी देने की कोशिश की, लेकिन वह लालटेन लेने को तैयार नहीं हुए। जो बिल जारी हुए हैं अभी तक लॉकडाउन के बाद, बेसिकली जुलाई में से ये इशू आ रहा है, जुलाई और अगस्त में, इसमें नॉट ए सिंगल बिल, मतलब एक भी बिल ऐसा नहीं है जो गलत हो। जितने भी बिल उन्होंने दिए उसको मैंने बार बार चेक कराया है और पूरा सिस्टम से चेक कराया हुआ है। बिल में कहीं कोई गलती नहीं। जो इकट्ठे बिल की बात करते हैं उसमें वो उपभोक्ता है जिनका बिल 200 रुपये 100 रुपये आता है, लेकिन उसके वो बिल को भी नहीं भरना चाहते हैं। अगर आप बुला के उनसे पूछ लें कि लास्ट बार उनने बिल कब भरा था, ये 100 रुपये 200 रुपये, तो आपको बता नहीं पाएंगे कि ये हमने ये, क्योंकि भरना ही नहीं है ना। वो वैसी आदत पड़ी हुई है जो कि सब वैसा मिल जाए जो है। अब केवल और केवल जो है, जो भी आप बता रहे हैं कि जो भी नेता लोग इसमें यूथ कांग्रेस के थे, आई थिंक जो लोग आए थे बिना किसी सूचना के, बिना प्रशासन की अनुमति लिए, बिना प्रशासन को सूचना दिए और इतना मुआव इकट्ठा करके पूरा जो है कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ के इस तरीके से आए हैं, ये ठीक नहीं है। मतलब ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करके कि बिल आपके ज़्यादा आ रहे हैं और इस टाइप से अपना जो है ये जो है अपना नाम चमकाने वाली बात है। केवल इसमें कोई बिल नहीं है। मैं कई बार दिखवा चुका हूँ, कंज्यूमर मेरे पास आता है, मैं खुद बिल दिखवाता हूँ। जितने भी बिल जारी हुए मऊ टाउन में, एक भी बिल में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है अभी तक तो नहीं मिली है। यूथ कांग्रेस के हम लोग सब साथी लोग आए थे और हमें बताना चाहते थे कि रोज लोग परेशान हुए पूरे मध्य प्रदेश में। ऐसी स्थिति है कि जो जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तो 100 रुपये बिजली का बिल आता था, जिसको ये लोकतंत्र की हत्या कर हत्यारा शिवराज सिंह चौहान जब से आके बैठा है उसने ऐसी स्थिति कर दी मध्य प्रदेश के अंदर, जो खरीद फरोख्त करके जो सरकार इसने गिराई थी लोकतंत्री हत्या कर जो पैसे देकर विधायक खरीदे थे वो सारे पैसे इनको वसूली पे लगा दिया है एमपीबी को, कि जो पैसे मैंने दिए, रुपए मैंने दिए, करोड़ों रुपए खर्चे, तो तुम बोले 100 के 15,000 करो, 20,000 करो, 45,000 करो और इनसे वसूलो गरीब जनता से। तो हम लोगों की मांग है कि जब तुमने खरीदी फरोती करी वो ठीक है जो करी, मगर ये मेरी आपकी पीड़ा नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की पीड़ा है। और कमलनाथ जी जब 100 रुपये कर सकते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने 115,000 क्यों पहुंचाए? मतलब इससे सिद्ध होता है कि बिजली के बिल बढ़े हुए हैं और शिवराज सिंह भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट है क्योंकि कमलनाथ जी शासनकाल में 100 रुपये और तुम्हारे शासनकाल में 15,000 रुपये। तो हम युवा कांग्रेस के साथियों का इतना सा बोलना है कि ये आदमी अपनी पीड़ा कहाँ बताएगा, रोज चक्कर काटने। इनको शिवराज सिंह ने बोल दिया भैया तेरा ट्रांसफर नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, और जितने लोग चक्कर काटने काटने थे वसूली चालू रख, उपचुनाव आ रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है शिवराज सिंह चौहान को कि ये वसूली बंद कराओ, उपचुनाव का खर्चा इन गरीबों से मत लो। मालूम है चुनाव आ रहे हैं, गरीबों से खर्चा लोगे। हमारे कमलनाथ 100 रुपये करते हो, तुम 15,000 रुपये करते हो। तो हमारी लड़ाई इस बात की है, कोविड-19 में पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश की स्थिति जो है सबको मालूम है कि रोटी रोटी को, दाने दाने को आम आदमी बैठा हुआ है, खाना नहीं मिल रहा। तो इस महामारी के बीच में आप लोगों को, हमारा शिवराज सिंह चौहान को, इन सब के पूरे मध्य प्रदेश के बिल माफ करने चाहिए भाई साहब, पूरे मध्य प्रदेश बिल माफ करने चाहिए। और हमने आज अधिकारी को लालटेन पकड़ाई है कि ये शिवराज सिंह चौहान को ये दो जाके वो पीड़ा बताओ कि मध्य प्रदेश में व्यक्ति बिल नहीं भर पा रहा, लाइट कटी पड़ी है और लालटेन जला के काम चला रहा है। तो आज युवा कांग्रेस साथियों ने लालटेन भेंट करी अधिकारियों को शिवराज को पहुंचाने के लिए, ताकि उसकी आंख और कान खुले। बहरहाल एई ने सभी के बिल लेकर चेक करने की बात कही है। रहवासियों ने बढ़े हुए बिल को लेकर विद्युत कार्यालय का घेराव किया था। अब देखना होगा कि बिल में उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़, महू।